प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना के द्वारा हमारे देश में 1 करोड़ घर पर सोलर पावर लगेगा और हर एक घर में हर महीने 300 यूनिट फ्री में मिलेंगे। इस कार्यक्रम में जो सोलर पावर का प्लांट लगेगा तो इसका इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उसमें सरकार 60% सब्सिडी देगी और 40% लोन मिलेगा, काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट पर। और इसका जो ईएमआई आएगा हमेशा, वो ईएमआई, ये जो सोलर पावर प्लांट लगेंगे हर एक घर पे, उसमें एक्सेस पावर जनरेट होगा और ये एक्सेस पावर जो जनरेट होगा वो लोकल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी खरीदेगी और इसके सामने जो इनकम होगा उससे ये ईएमआई भरी जाएगी। इस तरह से ये हर एक घर जो है, 1 करोड़ घर, हर एक घर को सोलर पावर फ्री में मिलेगा। अभी आगे के स्टेप्स के लिए हमारी सरकार ने ये डिसाइड किया है कि ये जो 1 करोड़ घर होंगे तो वो कौन से होंगे, कौन से घर एलिजिबल होंगे, तो ये सारा जो काम है इसका सर्वे हो रहा है और ये सर्वे का काम हमारी लोकल पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जो पोस्टमैन है उनको दिया गया है। तो इसकी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए मैं हमारी लोकल पोस्ट ऑफिस में गया और मैं पोस्ट मास्टर जी से मिला, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हर एक पोस्टमैन का जो एरिया है उस एरिया में जब भी वो जाता है तो उस एरिया में सिंगल यूनिट, मतलब एक घर, सिंगल घर होता है जिसकी अपनी खुद की छत होती है, वैसे जो घर होते हैं वहाँ के ओनर को वो मिलता है और उनसे उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, पैन कार्ड, आधार कार्ड और छत की तस्वीर, ये सारी चीज़ें वो लेता है और लेने के बाद में वो पोस्ट ऑफिस आता है और ये काम के लिए उनको एक स्पेशल ऐप दिया गया है। इस ऐप में सारी चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, पैन कार्ड, आधार कार्ड और छत की तस्वीर, ये सारी चीज़ें अपलोड की जाती है। तो अभी सिर्फ इतना काम सारे पोस्टमैन कर रहे हैं अपने एरिया में, पूरे देश में। फिर हमारे जो पोस्टमैन थे उनको भी मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे सारी जो सिस्टम जो वो लोग कर रहे थे वो बताई और जी उसके बाद में जो पोस्टमास्टर जी हैं उन्होंने मुझे ये कहा कि एक बार ये सारा काम हो जाता है, उसका अभी समय तय नहीं किया गया है, लेकिन एक बार ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद में ये सारी डिटेल्स जो है, जो सारा डेटा कलेक्ट किया हुआ है वो सारा डेटा कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को दिया जाएगा जिसको सरकार नियुक्त करने वाली है, तो ये एजेंसी को ये सारी डिटेल दी जाएगी और उसके बाद में आगे कौन से घर एलिजिबल है उनका चयन किया जाएगा और फिर आगे का प्लानिंग होगा। तो आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और जानकारी लेने के लिए या तो आपको कोई सहायता चाहिए तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद। सोलर लगाइए, पैसे बचाइए और कुदरत को भी बचाइए। धन्यवाद।